हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हमारी मेहनत बस इतनी मुकम्मल हो जाए, हमारी मेहनत बस इतनी मुकम्मल हो जाए कि जहाँ किसी की सोच तक ना पहुँचे वहाँ हमारा नाम पहुँच जाए। तो हिंदी वालों को नमस्ते, इंग्लिश वालों को हेलो, मैं हूँ हिमशंकर शर्मा। वीडियो शुरू करते हैं चलो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को मिलती रहे। एक मेंढक की टोली एक जंगल के रास्ते जा रही होती है। अचानक उसमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। तो बाकी मेंढक उन्हें देखते हैं कि वो ये बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर चुके हैं, और वो दोनों उछलने की कोशिश करते हैं और उछल के बाहर आने की कोशिश करते हैं। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं, उछलते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर खड़े मेंढक होते हैं वो लोग बोलते हैं कि गड्ढा बहुत ही गहरा है, तुम लोग कोशिश मत करो, तुम लोग नहीं निकल सकते, तुम लोग फालतू में कोशिश कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन वो दोनों मेंढक को उनकी बात सुनाई नहीं देती है और वो उछलते रहते हैं। लेकिन उछलते उछलते क्या होता है, वो सभी ऊपर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तुम लोग फालतू मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं निकलना चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। लेकिन अचानक उसमें से एक मेंढक को ये बात सारी सुनाई दे देती है और वो कोशिश करना उछलना बंद कर देता है और वो एक कोने में निराश होकर जाके बैठ जाता है। लेकिन जो दूसरा मेंढक होता है वो अपना 100% देता है और उछलता रहता है। ऊपर सभी मेंढक फिर चिल्लाते हैं कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम्हें हिम्मत हार जानी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत ही गहरा है। लेकिन वो उछलता रहता है और अचानक से क्या होता है कि वो उछल के बाहर आ जाता है। बाकी सारे मेंढक बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग जो चिल्ला रहे थे कि तो तुम्हें कोई बात हमारी सुनाई दी? तो वो इशारों में बोलता है कि नहीं, मैं बहरा हूँ इसलिए मैं आप सभी की बात नहीं सुन सका, और बल्कि मुझे ये लग रहा था कि आप सभी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मुझे मतलब निकालने के लिए आप लोग हाथ में मतलब डुला रहे हो, हिला रहे हो। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और इस कहानी से हमें तीन बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। पहली बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि हम जो भी बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर ज़रूर पड़ता है, इसलिए हम जो भी बोलें सकारात्मक बोलें। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि लोग चाहे जो भी कहे, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये छोटी सी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप सभी के लिए भी एक अच्छी अच्छी मोटिवेशन स्टोरी हमेशा डालते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।